करके अभी हम बाहर रहे हैं और ये सब सारे मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे साथ में बैठे थे सब लोगों। कैसा हुआ पेपर भाई? सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी बज रहे हैं सुबह का 11 और वैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं पढ़ता हूँ सेकेंड ईयर में, तो आज ये मेरे सेकेंड ईयर का फर्स्ट एग्जाम, मुझे जाना है आज एग्जाम देने के लिए। फिलहाल मैं घर से नहा धोकर रेडी होकर आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त के घर। मेरा फ्रेंड्स के नाम है मोती सिंह, तो उनके घर जा रहा हूँ क्योंकि हम दोनों एग्जाम देने के लिए साथ साथ जाएंगे। मोती सिंह के अलावा एक और मेरा मित्र है, हम तीनों लोग जाएंगे एग्जाम देने के लिए साथ साथ में जाएंगे। तो फिलहाल मैं ऐसे ही मोती सिंह के घर में जा रहा हूँ, तो रास्ते में हूँ। वैसे पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की क्योंकि आप लोगों को पता ही है पूरी की पूरी लगन ब्लॉग में लगा दी थी, तो भाई पढ़ाई तो कब करे। तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की है लेकिन एग्जाम देना है देना है। तो आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर आंधी बहुत है यार, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ कि आंधी बहुत है, रियल में बहुत है यार। हमारे राजस्थान की एक प्रकार से समस्या यार, क्या करें इतनी आंधी यार। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और चारों तरफ इतनी हवाएं आ रही है, बोलना भी कितना मुश्किल हो जाता है यार। रियल आप देख सकते, मेरा आईडी कार्ड है आंधी से पीछे चला गया था। तो बस अभी मैं जल्दी से मोती के घर जाता हूँ, वहाँ से हम लोग एग्जाम देने के लिए चलेंगे। ब्लॉग भी बने रहना शुरू से लगाकर एंड तक, अभी फटाफट चलता हूँ। I could wait a thousand days, you never wait for me, you never... Guys, finally मैं मेरे फ्रेंड्स मोती सिंह के घर पहुंच गया हूं। आप देख सकते हैं मोती सिंह हेलमेट वगैरह लगा कर तैयार हो चुका है। हाय मोती सिंह, हाय कर दे। तो मेरा और मोती सिंह का घर पास पास में है, मैं पैदल ही आ गया हूं। अब हम लोगों ने बाइक ले ली है, अब हम लोग बाइक पर जाएंगे। तो गए जब मैं और मोती सिंह वहाँ से मोती सिंह के घर से यहाँ पर आ गए हैं और मेरे साथ में एक और फ्रेंड चलने वाला है, तो हम उनके घर के आगे खड़े हैं, वो भी आ रहा है घर से निकल कर। गाइस हमारा तीसरा फ्रेंड भी आ गए हैं, ये देवीलाल है। देवीलाल हाँ, तो अब हम तीनों बाइक पर जाएंगे। हम लोगों को ना थोड़ी दूरी तय करनी, इसलिए हम तीनों बाइक पर चढ़ रहे हैं, बाकी तो दो जने जाते हैं। हमने थोड़ी और दूरी तय की है और हम बीच रास्ते में और रुके हैं क्योंकि मोती सिंह के कुछ और फ्रेंड है, वो सब आ रहे हैं। हम लोग वैसे आप लोगों को पता है कि गांव डाणियों में रहते हैं और आज हम लोग एग्जाम देने के लिए बालोतरा शहर में जा रहे हैं और हम जिस कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं उस कॉलेज का बैच जो है पहला बैच है। हम लोग है ना पहले बैच में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो हमारे वहाँ पर एग्जाम सेंटर नहीं है, एग्जाम सेंटर है वो बालोतरा के अंदर बहुत बड़ी कॉलेज में है और कॉलेज का क्या नाम है, MBR PG कॉलेज। I could wait a thousand days, you never wait for me, you never wait for me, even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see, when I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below, haven't I suffered enough to let you go? फाइनली हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग कॉलेज के अंदर बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी बंदे अंदर जा चुके हैं और हम लोग बाहर खड़े हैं, तो देखते हैं हमारा पेपर कैसा होता है। और अभी हम लोग पेपर देंगे और पेपर देने के बाद फिर आपसे मिलूंगा। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने पेपर कर दिया है और अभी हमारी छुट्टी हुई और पेपर करके अभी हम बाहर आए हैं और ये सब सारे मेरे फ्रेंड्स थे और मेरे साथ में बैठे थे सब लोगों। कैसा हुआ पेपर भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। पढ़ा तो बिल्कुल नहीं था लेकिन पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो अब हम चलते सब घर अपने अपने। तो देखिए गाइस हम लोग एग्जाम देकर आ गए हैं, वो पीछे सब आ रहे हैं, हमारी टीम आ रही है। हेलो गाइज, हम बीच रास्ते में रुके हैं सब लोग
पूरे के पूरे डे के स्टूडेंट्स बैठे हैं और यहाँ पर बीच में चाय पी रहे हैं। I could wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी ली है और अब निकलते हैं। हमने तो चाय पी ली है, ठीक है भैया। अब वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमेशा जुड़ी रहिए हमारे साथ। You never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? तो गाइस अब बज रहे रात के 8 और फाइनली मैं एग्जाम देकर घर आ चुका हूँ और सब अपने अपने घर चले गए। वैसे बता दूं आज हिंदी साहित्य एग्जाम था, एक आज था और दो और बाकी है। आज के व्लॉग को बस यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।